गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पीएम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन फेरस एलॉय। नॉन फेरस मतलब अलोह धातु का एलॉय, मतलब अलोह मिश्र धातु के बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अलोह मिश्र धातु, एलॉय मतलब होता है हमारा मिश्र धातु। ठीक है, तो इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो नॉन फेरस एलॉय क्या है, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि नॉन फेरस एलॉय क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक नॉन फेरस मेटल को, दो या दो से अधिक अलोह धातु को जब आपस में मिलाया जाता है, उससे जब हमारा कोई एक नया धातु प्राप्त होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हम लोग दो नॉन फेरस धातु को मिलाएंगे आपस में, तो उससे हमारा एक नया धातु प्राप्त होगा जिसमें नया प्रॉपर्टी जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा होता है नॉन फेरस एलॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं को, जब या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं को मिलाया जाता है, नॉन फेरस मतलब जिसमें आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, टीन है, लेड है, ये सब नॉन फेरस धातु होता है, मिलाया जाता है, तो जो एलॉय बनता है उसे लोग नॉन फेरस एलॉय कहते हैं। ये मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम ब्रास, ठीक है, ब्रास हम लोग पढ़ते हैं ब्रास। ठीक है, तो ब्रास देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कॉपर और जिंक को मिलाकर जो एलॉय बनाया जाता है, ठीक है, कॉपर और जिंक को मिलाकर जो एलॉय बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रास कहते हैं। ठीक है, कॉपर और जिंक मतलब ये कॉपर और जिंक जो हमारा नॉन फेरस धातु है, इसको जब हम लोग आपस में मिलाते हैं, आपस में रिएक्शन होता है, तो इसके द्वारा क्या होता है, इससे हमें क्या प्राप्ति होती है, ब्रास बनाया जाता है। ठीक है, तो ब्रास किसका मिश्रण है, किसका मिश्र धातु है, तो याद रखेंगे कॉपर और जिंक का, मतलब कॉपर और जिंक के मिलने से क्या बनता है, ब्रास बनता है, और उसे ब्रास करते हैं। और कॉपर और जिंक को अलग अलग अनुपात में मिलाकर कई प्रकार के एलॉय बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि कॉपर और जिंक से, हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, कॉपर और जिंक से जो हमारा मुंज मेटल भी प्राप्त होता है, मुंज मेटल, तो कॉपर और जिंक जो है हमारा, इससे और भी कई अलग अलग अनुपात में मिलाने से क्या होता है, और भी हमें मिश्र धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो कॉपर और जिंक से हमारा एक तो ब्रास ही हो गया, फिर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो यही बात बोल रहा है कि प्राप्ति होती है। इस पर जंक क्या होता है, इस पर जंक नहीं लगता और वह हवा व पानी का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, और कुछ तेजाब भी इस पर प्रभाव नहीं डालते हैं, मतलब ब्रास पर। यह सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, और उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं। ठीक है, और जिसके, अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ पता नहीं हो कि स्ट्रेंथ क्या है, तो ये हम पहले ही आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में बता दिए थे कि क्या क्या होता है ये, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो वहां आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे मेटल का, तो वहां पे आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, तो जिसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसके साथ इसमें अच्छी फ्यूसिबिलिटी भी होती है। ठीक है, और इसको चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता है, फ्यूसिबिलिटी भी आपको वहां पे समझ आएगा, ये भी फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, और इसको चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता, मतलब इस पर क्या होता है कि इसमें इसको चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता है, क्योंकि चुंबक इसको अपनी ओर कहाँ से खींचेगा, जिसमें चुंबक तो उसी को खींचता है जिसमें लोहा का कण होता है, जिसमें लोहा का तो कण ही नहीं, चूंकि इसमें नॉन फेरस मेटल है जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता, और यह बिजली का अच्छा चालक भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये ब्रास जो है हमारा कॉपर और जिंक को जो मिलाने से बनता है ब्रास, जो मिश्र धातु, तो ये क्या होता है, बिजली का अच्छा चालक नहीं होता है, मतलब बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर नहीं है। और इसमें क्या होता है, 1-2% तक क्या होता है, अगर लीड को मिला दिया जाए, मतलब 1-2% तक अगर शीशा लीड को मिला दिया जाए तो इसमें मशीनिंग क्वालिटी को सुधारा सकता है। ठीक है, मशीनिंग क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है वो घरेलू बर्तन, बियरिंग, बूस इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ब्रास का। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ब्रास का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे देखें। तो आगे देखिए, आगे हमारा आता है मुंज मेटल। ठीक है, आगे हमारा आता है मुंज मेटल। देखिए मुंज मेटल क्या है, अगर हम बात करें मुंज मेटल की, तो देखिए मुंज मेटल में क्या है कि देखिए मुंज मेटल, देखिए यह जो, यह भी क्या है, कॉपर और जिंक एलॉय, जैसे कि कॉपर और जिंक एलॉय हमारा ब्रास भी था। ठीक है, और कॉपर और जिंक का अनुपात हमारा क्या है, मुंज मेटल है, कि इसमें कॉपर कितना है 60% और 40% जिंक जो हमारा मिलाएंगे, इससे जो हमारा एलॉय प्राप्त होती है वो क्या होता है, मुंज मेटल होता है। ठीक है, तो 60% कॉपर और 40% जिंक का जो एलॉय होता है उसको बोलते हैं हम लोग मुंज मेटल। ठीक है, तो इस अनुपात को रखेंगे याद कि मुंज मेटल जो मिश्र धातु होता है किसका मिश्र है, या उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होता है, तो वहाँ 60 या 40%, या कभी इसको दे देगा 60 और 40 को जब हम कटाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कॉपर और ये हमारा है
अगर हम जिंक का मिश्रण देखें तो कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि साठ और इसका क्या अनुपात है, मुंज मेटल में जो कॉपर जिंक का क्या अनुपात है। जैसे यहाँ 60 है आपका, देखिए यहाँ पे 60% है और यहाँ पे आपका 20% है। इसका अनुपात अगर हम काटेंगे, अगर 20 से हम दोनों में भाग देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 20 या 60 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3:2। तो कभी कभी ये लिखा रहेगा 3:2 भी होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सर, कभी कभी इस अनुपात में भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो मुंज मेटल में कॉपर और जो जिंक का अनुपात होता है वो 60:2, फिर इसको या फिर इसको कटा के अगर ये दे देगा ऑप्शन में 3:2 या 2:3, तो वहां पे फंसाएगा आपको। तो ये आप याद रखेंगे, इस अनुपात में भी इस एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जिसमें कभी कभी लीड भी इसमें भी मिलाया जाता है, ठीक है, इसमें भी कभी कभी हम लोग लीड मिलाते हैं, और यह साधारण ब्रास की अपेक्षा हार्ड और अधिक डक्टाइल होता है। यह साधारण ब्रास की अपेक्षा क्या होता है, अधिक हार्ड और डक्टाइल होता है, और इसका जो अधिकतर प्रयोग होता है वो बिजली के सामान, ठीक है, बिजली के सामान, फ्यूज, मशीन के छोटे छोटे पुर्जे इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, मुंज मेटल का प्रयोग, ठीक है। तो ये भी हमारा मुंज मेटल कॉपर और जिंक का था, जिसमें 60% और 40% हमारा ये था। अगर हम आगे की बात करें तो आगे हमारा आता है ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज। अब देखिए ब्रॉन्ज क्या होता है, ये भी कॉपर और टिन का ही अलवाय होता है, ये भी हमारा कॉपर और टिन का ही अलवाय है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, कॉपर और टिन का अलवाय है। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े ब्रास और जो हमारा मुंज मेटल पढ़े वो कॉपर और जिंक का अलवाय था, ठीक है, और ये हमारा कॉपर और टिन का अलवाय होता है। और यह प्राइस में क्या होता है, 75 से आपका 95% इसमें क्या होते हैं, कॉपर होती है, और 5 से 25% तक टीन मिलाकर ये अलवाय बनाया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 75% अगर आप कॉपर लेंगे तो 25% आपको टीन लेना होगा, कोई भी चीज़ में 100% लेते हैं, अगर हम 95% कॉपर लेंगे तो हम 5% टीन लेंगे। तो ये यही बताया गया, 75 से 95% में कॉपर हो सकता है और 5 से 25% इसमें टीन मिलाकर ये एलवाय बनाए जाते हैं ब्रॉन्ज को। और ये एलवाय क्या होता है, कठोर होता है, और इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है बियरिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं, बूस्ट बनाने में प्रयोग करते हैं, सीट, रॉड और तारे बनाने के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं ब्रॉन्ज का, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे चलें, तो आगे देखिए, आगे यहाँ पे है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज। देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या है कि यदि ब्रॉन्ज में, ठीक है, यदि ब्रॉन्ज में फॉस्फोरस अगर मिला दिया जाए, इससे जो पहले भी पढ़े आप ब्रॉन्ज पढ़े, ठीक है, अभी पढ़े जी ब्रॉन्ज की, कॉपर और टीन का अलवा होता है जिसमें 75 से 95% कॉपर और 5 से 25% टीन मिलाकर ये अलवा बनाए जाते हैं। तो अगर उसी ब्रॉन्ज में अगर हम फॉस्फोरस को मिला दिया जाए तो ब्रॉन्ज जो बनेगा, तो उस ब्रॉन्ज को कहेंगे हम लोग फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है, हमने फॉस्फोरस को ऐड करने से हो गया फॉस्फर ब्रॉन्ज कहते हैं इसमें। इसमें जो होती है फोर्ज रॉट या कास्टिंग के अनुसार अलग अलग मात्रा के इसमें मिश्रण तत्व मिलाए जाते हैं, मतलब इसको, ठीक है, इसमें जो भी हमारा नॉन मेटल एलवाय इसमें प्रयोग करेंगे, एलिमेंट करेंगे, उसका अलग अलग मिश्रण होगा। और एक समान रॉट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में क्या होती है कि 93.7% उसमें कॉपर रहेगा, 6% टीन रहेगा और 0.3% फास्फोरस रहेगा, क्योंकि इस कॉपर तो टीन तो मात्रा रहेगा क्योंकि ये ब्रॉन्ज है, और ब्रॉन्ज में ही आप फास्फोरस मिला रहे हैं तो 0.3% फास्फोरस होता है। और फास्फोरस मिलाने से इसकी क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और डक्टिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है एवं कास्टिंग भी इसकी अच्छी होती है। और इस एलवाय का अधिकतर प्रयोग जो होता है पंप के पार्ट्स में किया जाता है, पंप के पार्ट्स, ठीक है, मोटर वगैरह का जो पंप होता है उसका पार्ट्स बनाने किया जाता है, बियरिंग भी इसका प्रयोग करते हैं, गियर आदि बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यह एलवाय स्प्रिंग बनाने के लिए भी उपयोग करता है, ठीक है। इसमें मतलब इस एलवाय से हम लोग नॉन फेरस जो हमारा एलवाय से जो स्प्रिंग बनाएंगे, मतलब नॉन फेरस मटेरियल का, तो उससे हम लोग स्प्रिंग इसको बना सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बनाने के लिए हम लोग स्प्रिंग स्टील भी पढ़े थे, तो वो हमारा क्या था, फेरस मेटल से अगर स्प्रिंग, ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग नॉन फेरस मेटल से भी स्प्रिंग बना सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, नॉन फेरस से बनाएंगे तो वो फॉस्फर ब्रॉन्ज से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए सिलिकन ब्रॉन्ज क्या, देखिए फिर सिलिकन ब्रॉन्ज, इसका मतलब है कि ब्रॉन्ज में सिलिकन को मिलाना होगा। यदि ब्रॉन्ज में सिलिकन मिला दिया जाए, ठीक है, ब्रॉन्ज वही हो गया जिसमें कॉपर और टिन का मिश्रण था, और जो और उसमें सिलिकन अगर मिला दिया जाएगा, ऐड कर देगा, तो वो ब्रॉन्ज क्या कहलाएगा, सिलिकन ब्रॉन्ज कहलाएगा। जैसे कि आपको पढ़े फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है, फॉस्फर ब्रॉन्ज, इसमें प्राय क्या होता है, 96% कॉपर होता है, 3% सिलिकन होता है और 1% मैगनीज, ठीक है, 1% मैगनीज या जिंक वाला एलवाय का प्रयोग, जिंक वाला का प्रयोग में इसका लाया जाता है सिलिकन ब्रॉन्ज के रूप में। इस पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है,
और इसमें क्या होता है, कास्टिंग रोलिंग स्टैम्पिंग फॉर्जिंग, ठीक है, कास्टिंग रोलिंग स्टैम्पिंग फॉर्जिंग। और देखते हैं आगे, अब देखिए इसमें और क्या होता है कि जैसे कि अभी यहाँ पर कास्टिंग रोलिंग स्टैम्पिंग फॉर्जिंग और गर्म और ठंडी दशा में प्रेस इसको किया सकता है, ठीक है, इसको प्रेस कर सकते हैं, इसको रोलिंग हैमरिंग स्टैम्पिंग हम लोग इसको कर सकते हैं। इसमें इसे प्राय सभी विधियों से क्या, इसको वेल्डिंग कह सकते हैं, मतलब वेल्डिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस से हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हो, आर्क हो, ठीक है, गैस वेल्डिंग हो, तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग क्या हम लोग टैंक, ठीक है, टैंक स्टोव और बॉयलर, बॉयलर के पार्ट्स बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, किसका, सिलिकन ब्रांच का प्रयोग करते हैं, सिलिकन ब्रांच का प्रयोग करते हैं। अभी क्या बहुत इंपॉर्टेंट, गन मेटल, गन मेटल की बात करें तो गन मेटल के क्या होता है, गन मेटल इसमें 88% कॉपर और टीन और जिंक का मिश्रण होता है, मतलब ये क्या होता है, कॉपर टीन और जिंक का मिश्रण होता है हमारा गन मेटल। इसमें कॉपर कितना परसेंट होता है, 88%, टीन कितना परसेंट होता है, 10%, और जिंक कितना होता है, 2% वाले एलॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, गन मेटल कहते हैं। ठंडी हालत में इस पर कांच को आसानी से नहीं कह सकते, मतलब इसको हम लोग ठंडी कूलिंग सिचुएशन में इस पर हम लोग कांच को आसानी से नहीं कर सकते, परंतु अगर इसको हम लोग 600°C तक इसे गर्म करके फॉर्जिंग किया जाए और क्या सकता है, और यह अधिक मजबूत एलॉय होता है जिस पर हवा पानी और मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राचीन काल में इससे क्या होती है, बंदूक बनाई जाती थी, ठीक है, प्राचीन काल में इससे बंदूक बनाई जाती थी, जिसके कारण इसको बोलते हैं लोग गन मेटल बोलते हैं, इसको गन मेटल, ठीक है, गन का ये मेटल है। और आजकल इसका जो प्रयोग है, आजकल इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग किस रूप में कर रहे हैं, बॉयलर फिटिंग्स के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसका अधिकतर प्रयोग किस में करते हैं, बॉयलर फिटिंग्स, बियरिंग और बूश आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा गन मेटल होता है, इसको ध्यान रखेंगे इसके परसेंटेज को कितना, ये परसेंटेज होता है 88, 10 और टोन कॉपर टीन और जिंक का ये मिश्रण है। उसी प्रकार फिर हम आगे बढ़े तो आगे हमारा आता है मैंगनीज ब्रॉन्ज, ठीक है, मैंगनीज ब्रॉन्ज। अब देखिए मैंगनीज ब्रॉन्ज का, जैसे ब्रॉन्ज का देखिए ब्रॉन्ज आ रहा है, ब्रॉन्ज पड़े, फिर फास्फोरस ब्रॉन्ज पड़े, फिर सिलिकन ब्रॉन्ज पड़े, अब देखिए मैंगनीज ब्रॉन्ज आ रहा है। देखिए मैंगनीज ब्रॉन्ज में क्या आएगा, इसमें मैंगनीज आएगा, यह एलॉय कॉपर जिंक लीड और थोड़ी मात्रा में मैंगनीज मिलाया जाता है, ठीक है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, ठीक है, कॉपर जिंक लीड हो गया और थोड़ी मात्रा में मैग्नीज मिलाया, मैग्नीज मिलाकर इसको बनाया जाता है। यह फास्फोरस ब्रांच की अपेक्षा अधिक कठोर और मजबूत होता है। इसका अधिकतर प्रयोग प्लंजर, ठीक है, प्लंजर, प्लंजर समझते ना, जैसे कि हम लोग प्लंजर प्रयोग करते हैं चापाकल वगैरह में, ठीक है, प्लंजर, फीड पंप, रॉड, बूश इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग हम लोग किया जाता है। इसको कभी कभी गर्म वर्म गियर, ठीक है, इससे टाइप ऑफ गियर होता है, तो वो वर्म गियर भी इसमें हम लोग बनाया जा सकता है, ठीक है, जब हमारा आपको गियर पढ़ाएंगे ट्रांसमिशन और पावर में पढ़ाएंगे तब वहाँ आपको बताएंगे गियर के बारे में। इसको कभी कभी वर्म गियर भी बनाई जाती है, वर्म गियर होता है, ठीक है, टाइप ऑफ गियर होता है वर्म गियर। तो ये हमारा मैग्नीज ब्रांच था। उसके बाद फिर आगे पढ़े तो बेबिट मेटल, बेबिट मेटल क्या होता है, देखिए बेबिट मेटल यह टीन बेस एलॉय है, ठीक है, ये टीन क्या होता है, बेस, टीन का ये बेस एलॉय है, इसमें टीन का रहता है और जिसमें प्राय क्या होती है 88% टीन होता है, मतलब टीन ही ज़्यादा मतलब होता है, इसको बेस बोलते हैं हम लोग टीन। और 8% क्या होता है इसमें, एंटीमनी, और 4% कॉपर होता है। यह एक मुलायम एलॉय है, ठीक है, सॉफ्ट एलॉय है जिसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है बियरिंग, बियरिंग में लाइनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, और इसका प्रयोग ऐसे बियरिंग पर किया जाता है जिसको हाई प्रेशर और अधिक लोड पर चलाना होता है, जिसको हाई प्रेशर और अधिक लोड पर अगर चलाना होता है जिस पार्ट्स को, जिस चक्का मान लीजिए गाड़ी को, तो उसमें हम लोग पर क्या करते हैं, बेबिट मेटल का प्रयोग करते हैं, मतलब उसको बियरिंग बनाने के लिए, ठीक है, उस मेटल में जो हमारा बियरिंग लगेगा तो वो हमारा बेबिट मेटल का प्रयोग किया जाता है, ये होता है। फिर हम लोग आगे चले तो आगे हमारा आता है मोनल मेटल। देखिए मोनल मेटल क्या है, तो देखिए मोनल मेटल क्या है कि यहाँ पे देखिए मोनल मेटल, तो देखिए यहाँ पे क्या है मोनल मेटल, तो ये क्या होता है, इस एलॉय में प्रायः 60% निकिल और 38% कॉपर और थोड़ी मात्रा में एल्युमिनियम या फिर मैग्नीज, एल्युमिनियम या फिर इसमें आप मैग्नीज का प्रयोग कर सकते हैं। और यह एलॉय टफ और डक्टाइल होता है, इसे आसानी से मशीनिंग भी किया जा सकता है, इस पर ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है और इस पर जंग नहीं लगता, अधिक तापमान पर इसकी मजबूती क्या होती है, बनी रहती है। यह रॉड, सीट और तार के रूप में पाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग स्टील टरबाइन ब्लेड, ठीक है, स्टील टरबाइन ब्लेड मतलब हम लोग जो टरबाइन में जो ब्लेड करते हैं प्रयोग, जैसे कि हम लोग जहाँ पे बिजली की, जैसे कि थर्मल पावर वगैरह में जो हम लोग स्टील वहाँ पे जो बिजली जनरेट की जाती है तो वहाँ पे टरबाइन को चलाया जाता है, तो टरबाइन में जो हमारा ब्लेड लगता है वो स्टील टरबाइन ब्लेड, तो वो स्टील का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग वहाँ पे जो लोग टर्बाइन में जो ब्लेड का प्रयोग करते हैं स्टील वाला, स्टील जो बनाया जाता है, तो वहाँ पे लोग स्टील टर्बाइन ब्लेड से लोग मॉडल मेटल का प्रयोग करते हैं उसको बनाने के लिए, ब्लेड टर्बाइन के ब्लेड को। और क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के
पेलर पर भी इसका हम लोग प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो आगे देखिए क्या है, आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास है ड्यूरेलुमिन एलॉय, ठीक है। इसको देखें ये हमारा क्या पास है, ड्यूरेलुमिन एलॉय, ठीक है। ड्यू इसको बोलेंगे हम लोग ड्यूरेलुमिन एलॉय। अब फिर क्या है, ये है कि ये एक प्रसिद्ध एलॉय है जिसमें क्या होती है 3.5 से 4.5% की इसमें क्या होती है कॉपर होती है, ठीक है। और 0 से 0.7 मैग्नीज हो गया, 0.4 से 0.7 मैग्नीशियम, और बाकी इसमें क्या होती है एल्युमिनियम होती है। मतलब इसको जोड़िएगा तो 90-100% पूर्णना चाहिए, और जो बाकी शेष बचेगा उसमें एल्युमिनियम होगा। और ये कांच करने के बाद क्या होती है 3 या 4 दिन तक रखकर इसे, ठीक है, कांच करने के बाद या 3 या 4 दिन तक रखकर इसे एज हार्डनिंग किया सकता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे इसको हम लोग एज को हार्ड कर सकते हैं, एज हार्डनिंग इसको किया सकता है इस मेटल से, और जिससे ये कठोर हो जाता है, ठीक है, जिससे ये कठोर हो जाता है और इस पर जंग नहीं लगता, और ये बिजली का सुचालक होता है, ये बिजली का देखिए सुचालक भी होता है ड्यूरेलुमिन एलॉय। और इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है बिजली के केबल, ठीक है, बिजली केबल और हवाई जहाज के पुर्जे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ड्यूरेलुमिन एलॉय का, ठीक है, ड्यूरेलुमिन एलॉय का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। कम से कम देखिए इसका सबको पढ़िए, इसका परसेंटेज को भी याद रखिए, ठीक है। एग्जाम में इसका परसेंटेज पूछता है इसमें किस किस कितना परसेंटेज कौन कौन मात्रा रहता है, कौन कौन नॉन फेरस मेटल एलिमेंट रहता है, तत्व रहता है, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में इसको एक बार दो बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा कि ये इसमें परसेंटेज इसमें रहता है। अब देखिए लास्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है वाई एलॉय। देखिए वाई एलॉय क्या है, वाई एलॉय देखिए वाई एलॉय, इस एलॉय में क्या होती है 3.5 से 4.5 कॉपर, 1.8 से 2.3% निकेल, और 1.5 से 1.7% मैग्नीशियम, और बाकी एल्युमिनियम होता है, ठीक है। और ये प्राय क्या होते हैं सीट और स्ट्रिप के रूप में पाया जाता है, और अधिक तापमान पर इसकी मजबूती बनी रहती है, और इसका अधिकतर प्रयोग इंजन के पिस्टन बनाने के लिए किया जाता है। मतलब देखिए इंजन अभी जो आधुनिक युग में जो इंजन का पिस्टन बनाया जाता है इंजन का, तो वो इंजन का पिस्टन अभी किससे प्रयोग किया जाता है आजकल, सब ज़्यादा वाई एलॉय से लोग बनाते हैं इंजन का पिस्टन प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं इंजन का पिस्टन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो वाई एलॉय। इसके भी कॉम्बिनेशन को याद रखेंगे कि कौन कौन सा तत्व इसमें रहता है, ठीक है। आप कम से कम इसके सारे कॉम्बिनेशन को याद रखें, ठीक है। इसको एक बार दो बार पढ़िएगा ध्यान से, अगर आप तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़, ठीक है। तो इसको कॉम्बिनेशन कम से कम याद रखिए, और इसका यूज याद रखिए कहाँ पे कौन यूज होता है, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम हो आपका आईटीआई एग्जाम हो या आईटीआई कंपटीशन लेवल पे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, इससे बहुत तरह के घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस पर एक ध्यान रखिए। तो इस प्रकार हमारा ये नॉन फेरस कुछ एलॉय थे, और भी बहुत सारे एलॉय होते हैं, तो आपके सिलेबस के साथ में यही दिया गया था, तो इसको हम डिस्कस किया यहाँ पे और आपको समझाने का प्रयास किए। तो चलिए आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।